नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पोटका प्रखंड के हाता स्थित सचिन होटल में क्षेत्र के विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक झारखंड आंदोलनकारी नेता शैलेन सरदार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस बैठक में सर्वसम्मति से क्षेत्र में हो रहे अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने एवं जन समस्याओं के समाधान हेतु जनहित में आवाज उठाने के लिए झारखंड जन संघर्ष मोर्चा नामक जन संगठन का गठन किया गया। यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, आज देख रहे हैं कि बहुत जगह भ्रष्टाचार हावी है, लेकिन उसके खिलाफ में आवाज उठाने वाला कोई नहीं। विभिन्न राजनीतिक संगठन के लोग भी हैं, लेकिन अपने स्तर से कोई आवाज नहीं उठा रहा। इसके खिलाफ हम लोग सभी जो हम लोग यहाँ के जुझारू साथीगण हैं, शहर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़कर एक संगठन के माध्यम से हम लोग अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे और यहाँ के जनता को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा का उद्देश्य है, जो क्षेत्र में जो भी शोषित है, पीड़ित है, जो मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना है और इसे संगठित करके इनके जो हक है, इनको हक दिलाना है। प्रभा कुटीर के मालिक सह जिले के जाने माने उद्योगपति महेंद्र अग्रवाल उर्फ मोहन बाबू के ऊपर उनके घर में काम करने वाली नौकरानी ने न सिर्फ छेड़खानी बल्कि कई अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। नौकरानी द्वारा छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद प्रभा कुटीर के ऑनर सह जिले के जाने माने उद्योगपति महेंद्र अग्रवाल उर्फ मोहन बाबू फरार चल रहे हैं और धनबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अपने कर्तव्यों को इतिश्री कर ली है। हालांकि इस मामले में धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि नौकरानी की शिकायत पर मामला बैंक मोड़ थाने में दर्ज हुआ है। आज पुलिस पीड़िता 164 के तहत न्यायालय में बयान दर्ज कराएगी। जान से मारने का धमकी भी दिया और उसके मालकिनी को जब हम लोग पुलिस लेकर गए तो उसके मालकिनी बोले तुम क्यों नहीं बोले, तो उसके मालकिनी का हम बोले जो मेरा सब पुलिस है, मेरा आदमी है, पूरा फैमिली है, जब उस समय बात नहीं मारा, तो उस समय मैं अकेले रहता तो आप लोग को बोलते तब तो हम जान ही मार देते हम लोग। तो इस तरह से हम उसको बोले, बहुत ज्यादा गलत हुआ सर। नहीं, मैटर हमारे संज्ञान में है, वो उसमें एक केस हुआ है के द्वारा और थाना प्रभारी को निर्देश भी दिया गया। मेरी बात ये थी कि ऐसा कोई मैटर अगर सही है तो किसी भी दोषी को उसमें कहीं नहीं छूटना चाहिए। चांडिल के भुयाड़ी स्थित रेनोविजन एक्सपोर्ट कंपनी गेट पर कामगारों का धरना गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को झारखंड श्रमिक संघ के केंद्रीय महासचिव व झामुमो नेता शैलेंद्र मैथी और जिला पार्षद ओम प्रकाश लायक ने धरना स्थल पर जाकर कामगारों को अपना समर्थन दिया तथा कामगारों की मांगों को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि कामगारों की मांगों तथा उन पर हो रहे अत्याचार को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इधर कंपनी प्रबंधन ने सभी कामगारों को अक्टूबर माह से भाड़ा के रूप में 3,000 रुपया देने के लिए नोटिस चिपका दिया, जिसके बाद कामगारों की कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई। 2-3 दिन बीतने के बाद भी कंपनी प्रबंधन के द्वारा कामगारों के साथ कोई वार्ता नहीं करने पर कामगारों का कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश बढ़ते जा रहा है। पहला प्रश्न यह है कि कंपनी विधिवत रूप से लाइसेंस है कि नहीं, ये जांच हो। दूसरी बिंदु ये है कि प्रवासी लोगों को जो यहाँ बहाली किया है, बाहर से लाके रखा है, उन लोगों के साथ कोई शर्त था। मुझे सूचना मिला कि ये लोग को जो आवास दिया गया है, बोल के लाया है कि फ्री तुम लोग को आवास मिलेगा, लेकिन अभी ये आंदोलन होने के बाद प्रत्येक मजदूर को भड़का रहा कि 3,000 रुपये देना होगा, अन्यथा तुम लोग को बाहर जाना होगा। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज गुरुवार से शराब दुकानों को बंद किया है। कोलंचल धनबाद में कई शराब दुकानों के काउंटर पर ताला लगा हुआ पाया गया, जिससे कि उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छोटे छोटे दुकानदार जो अवैध रूप से शराब बेचते हैं, उनकी चांदी हो गई, जबकि शहर के प्रमुख शराब दुकानें बंद देखी गई। मालूम हो कि झारखंड शराब खुदरा विक्रेता संघ ने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और विलंब शुल्क में हुई वृद्धि को विभाग से घटाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर धनबाद के उत्पाद आयुक्त उमा शंकर सिंह ने बताया कि उन्हें कोलंचल में शराब दुकानों के बंदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है कि शराब व्यापारी हड़ताल पर है। शराब दुकानदार अपने किसी मांग को लेकर हड़ताल पर है, न जिला के उत्पाद कार्यालय में इन्होंने कोई सूचना नहीं दी है कि हम लोग हड़ताल करेंगे या हम लोगों का मांग क्या है। हमको खाली समाचार पत्र के माध्यम से आज मालूम हुआ, जब सुबह हमने अखबार देखा ये पढ़ा कि आज शराब दुकानदार दुकान बंद, बस यही तो है। मेरी जानकारी में कुछ नहीं है, न इनका मांग का जानकारी है, ना आज लोग हड़ताल करेंगे ऐसी जानकारी।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सरकार द्वारा पारित कृषि और किसान विरोधी बिल तथा अनपढ़ बनाने वाली नई शिक्षा नीति, इनकम टैक्स दायरे में न आने वाले प्रति व्यक्ति को 7,500 प्रतिमा दिया जाए, स्वास्थ्य सेवा का बंटाधार करने वाली नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने की बाध्यता खत्म करने, नया खनन रेगुलेशन सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। धनबाद के जिला परिषद मैदान से जुलूस की शक्ल में निकलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए शहर के रणधीर वर्मा चौक तक भ्रमण कर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। हमारी मूल मांग है कि ऐसे तमाम व्यक्ति जो टैक्स देने के दायरे में नहीं आते हैं उनको 6 महीने के लिए 7,500 रुपया दिया जाए। तमाम गरीब लोग जो उनको सस्ते दर पर नहीं सामान मुहैया किया जाए, निःशुल्क राशन दिया जाए 6 महीना तक। हम लोगों ने यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर जो धनबाद जिला में विस्थापन हो रहा है, वो विस्थापन के खिलाफ हमारी लड़ाई है। खास करके झरिया में जो विस्थापन हो रहा है, केंदुआ में जो विस्थापन हो रहा है, और जिनके जमीन गांव के लोगों को ले लिया गया है, उनका जमीन का ना तो मुआवजा दिया गया है, ना तो नौकरी दिया गया है, और कंपनी खास करके बीसीसीएल उस पर जबरदस्ती उत्खनन कर रहा है। बिना कोरोना जांच के नहीं मिलेगी जिले में एंट्री, उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद श्री उमा शंकर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री असीम विक्रांत मिंज, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था श्री चंदन कुमार ने आज चिरकुंडा चेक पोस्ट एवं NH2 चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में अन्य राज्य एवं अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। बाहर से आने वाले लोगों के कारण कोरोना का संक्रमण नहीं फैले तथा लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर दोनों चेक पोस्ट पर सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक जिले में प्रवेश करने वाले लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए विशेष टीम की प्रतिनियुक्त किया गया है। बिना जांच के किसी को भी जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने के लिए टीम को निर्देश दिया है। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी धनबाद में गुरुवार को दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के दूर दराज इलाके से भारी संख्या में लोग पहुंचे। मालूम हो कि शरीर से दिव्यांग एवं मूक बधिर लोगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। सभी दिव्यांगों को रेडक्रॉस भवन में कोरोना जांच कराने के उपरांत दिव्यांगता जांच कराया गया। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की सदस्य ने बताया कि दिव्यांग एवं मूक बधिर लोगों के लिए यहां पर शिविर लगाया गया है, जिसका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले कोरोना टेस्ट जांच भी हो रहा है। क्या बोला जा रहा है? बोले कि हैं हड्डी वाला आपका 1 बजे के बाद जाए। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर, भीड़ है मतलब ऐसा नहीं, सब अपना मास्क लगा करके। और सब 11:30 बजे के बाद ही होना था जी, उससे पहले ही सब लोग आ गए। काफ़ी संख्या में आए हैं लोग, काफ़ी संख्या में सोशल, जबकि आगा सबको बोल दिया गया, लिखित भी दिया गया कि बिना मास्क कोई नहीं आएंगे और डिस्टेंस बनाते हुए। तो अभी आप लोग फॉर्म जमा ले रहे हैं कि नहीं लेंगे? वही 20 से 25 करेंगे ENT का जी, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू करेंगे हम लोग। दिनांक 15/10/2020 धनबाद रेल मंडल ने त्योहार के समय होने वाले अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर निम्नलिखित स्टेशनों के आरक्षण कार्यालयों को दिनांक 16/10/2020 से दोनों पालियों में खोलने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री AK पांडे ने बताया कि इससे स्थानीय यात्रियों को विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। दुर्गा पूजा के मद्देनजर धनबाद के विभिन्न स्थानों में दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी से मिलकर हमारे संवाददाता ने इस कोरोना काल में दुर्गा पूजा की तैयारी का जायजा लिया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पूजा समिति के पदाधिकारियों की बातें सुने। पिछले साल की तरह इस बार भी हम लोग जिला परिषद मैदान में कल दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं, और पिछला साल तो बहुत धूमधाम से मेला भी लगाए थे, इस बार से हम लोग बहुत पूजा का आयोजन बहुत छोटा साइज में कर रहे हैं, और हम लोग इतना दिन से वेट कर रहे थे कि सरकार के दिशा निर्देश क्या आता है पूजा के ऊपर, और चूंकि बहुत लेट से आया इसलिए हम लोग अभी तक कोई काम शुरुआत नहीं कर पाए। এবং আমাদের যে ফান্ড, আমাদের যে চাঁদা আমরা যে একত্রিত করেছি, সেই টাকাটাকে আমরা আমাদের ওয়েলফেয়ার মাধ্যমে আমরা এই টাকাটাকে আমরা কনভার্ট করছি আমাদের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসে। যেমন আমাদের এক অ্যাম্বুলেন্স বেরোচ্ছে, এক বডি আপনার ডেড বডি ক্যারিংয়ের জন্য এক গাড়ির আমরা আয়োজন করেছি। ইসকে বাবজুদ জো ভি সরকার দ্বারা গাইডলাইন দিয়া গিয়া হ্যায় হাম লোগ উসি কো পুরা কর রহে হ্যায়। জিস তরফ সে সরকার কহে হ্যায় কি পূজা অনুষ্ঠান মে কোই দিক্কত নেই হ্যায়, 7 পূজারী অর আয়োজক মিলা কে 7 কো মন্ডপ মে রহনা হ্যায়। সাল ভর কা এক দিন কা পরব হ্যায়, लोग तो निकलेंगे, भीड़ भाड़ होंगे,
लेकिन फिर भी रोक लगा दिया हम लोग को, जबकि बिहार में चुनाव हो रहा, चुनाव में काफ़ी भीड़ है होती है हमेशा, उसमें रोक नहीं है, लेकिन दुर्गा पूजा में क्यों रोक है यही समझ में नहीं आ रहा। इस गाइडलाइंस में कुछ सरकार क्योंकि हम लोगों ने जो डीसी के कन्फ्रेंस हॉल में जो मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था जो कुछ ऐसी गाइडलाइन में सुधार किया जाए जिससे भक्तों को पुष्पांजलि देने में सुविधा मिले, और उसके लिए भी हम लोग जो डिस्टेंस का प्रावधान है, डिस्टेंस पालन करने का।